हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो HSC इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है उस पर जो सीन पैसेजेस के जो क्वेश्चन दिए उनका सॉल्यूशन। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि पैसेज के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में सीन पैसेज जो है वो 12 मार्क्स के लिए आता है, जिसपे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है A1, जिसे एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन जो है उसका एक अपना डिमांड होता है और एग्ज़ाम में हम उस डिमांड को फुलफिल करते हैं, तब जाके हमें वो मार्क्स मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उससे ये टेस्ट किया जाता है कि आप पैसेज जो है उसको ठीक से रीड करते हो या नहीं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, अरेंज इन सिक्वेंस, इस तरीके का क्वेश्चन होता है जो आप पैसेज रीड करके आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन, दिए हुए सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। कभी कभी हमें स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और ट्रू स्टेटमेंट्स पिकअप करने के लिए कहा जाता है, तो कभी कभी हमें स्टेटमेंट्स फॉल्स जो है उसे करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला स्टेटमेंट देखते हैं अब इसमें क्या दिया है कि एस्ट्रोलॉजर जो है अपने बिजनेस का जो है प्रिपरेशन तैयारी बहुत ही प्रोफेशनल वे से करता था। हम पैसेज में से समझ सकते हैं कि वो पंक्चुअली आता था, बैग ओपन करता था, प्रोफेशनल इक्विपमेंट उसके स्प्रेड करता था, जिससे ये समझ में आता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत ही प्रोफेशनल था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसका असर, उसका प्रभाव हार्डली, मतलब बहुत ही कम होता था कस्टमर्स पर। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजर का जो अपीयरेंस है उससे उसके जो कस्टमर्स हैं उन पे उसका प्रभाव होता था, इम्पैक्ट होता था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, सेंट्रल पार्क जो है वहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, तो ये हमें पैसेज से पता चलता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा स्टेटमेंट है, एस्ट्रोलॉजर जो है अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता था, ये उसके स्किल्स में छुपा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्वेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करता था। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन से ये टेस्ट किया जाता है कि क्या आप खुद से सेंटेंसेस लिख पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, दिया हुआ जो वेब डायग्राम है उसे कंप्लीट करना है। तो सेंटर में बताया एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो हमें बताने हैं। सो लेसन में तो बहुत सारे एक्टिविटीज दिए हैं, ओपन बैग एंड स्प्रेड इक्विपमेंट, सैट अंडर अ टैमरिंग ट्री, के बाद सर्चिंग फॉर कस्टमर्स, टॉक्ड प्लीजेंटली विद कस्टमर्स, तो ये सेकेंड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है A3 क्वेश्चन, जिसको इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आप पैसेज रीड करके आंसर खुद से एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। आपके ओन वर्ड्स में आपको लिखना है, एज वेल एज आप किस तरीके से उस पर इंटरप्रिट करते हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये इसमें पूछा जाता है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। A3 का यहाँ पे क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक श्रुड जज है कैरेक्टर का, श्रुड यानी कि चालाक, जज करना यानी कि डिसाइड करना, गेस करना, तो किसी भी कैरेक्टर को वो चालाकी से जज करता है। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एक्सट्रैक्ट का हेल्प लेते हुए। यस द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रुड जज ऑफ कैरेक्टर एज इज प्रोफेशन रिलाइज हेविली ऑन द बेस्ट गेसिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। Though he knew nothing about stars and planets, he had knowledge of common problems of life. Astrologers practice and shrewd judging characters help him to please as well as astonish his customers. अब इसमें और ऐड कर सकते हो, 2 मार्क के लिए आपको 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A4 ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आप अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप अपना ओपिनियन लोगों के सामने कैसे पुट अप करते हो। सो जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो
आपको आंसर पॉजिटिव होते हुए लिखना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखते हैं, A4 का क्वेश्चन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट योर व्यूज। बिजनेस में सफल होने के लिए हमें बिजनेस का स्मॉलेस्ट डिटेल्स अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, राइट योर व्यूज, अपना मत लिखो। पर्सनल रिस्पॉन्स का भी आंसर सभी का एक जैसे नहीं हो सकता, बट आप अपने आंसर को पॉजिटिव वे में लिखोगे और उसमें अगर आपसे पॉसिबल है तो कोई प्रोवर्ब या थॉट यूज करो। आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या है, यस इट्स ट्रू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो पहला सेंटेंस हम जो क्वेश्चन दिया है उसी में से ले सकते हैं। अ पर्सन कैन ओनली अचीव सक्सेस व्हेन ही प्लान्स हिज बिजनेस विथ एवरी स्मॉल डिटेल्स केयरफुली। इन बिजनेस स्मॉल स्टेप्स आर नेसेसरी एंड दिस स्टेप्स टेक अ बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। व्हेन अ पर्सन हैज डिटेल्स ऑफ द स्मॉल थिंग्स ऑफ हिज बिजनेस ही कैन गेन मोर प्रॉफिट। हियर सक्सेस इन बिजनेस इज लाइक परफेक्शन, एज इट इज सेड स्मॉल थिंग्स ब्रिंग परफेक्शन बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप इससे और मुझे पता है आप इससे और अच्छा आंसर लिख सकते हो, आपके आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है A5 डू एज डायरेक्टेड, जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका ग्रामर का टेस्ट किया जाता है और ग्रामर में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यहाँ पे ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है और नीचे जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। सो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ, नहीं तो वर्ड से स्टार्ट होता है, जब हम हाउ से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव यूज करते हैं, और अगर हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम आर्टिकल्स यूज करते हैं, और हाउ से स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बाद आर्टिकल्स यूज नहीं करते। तो आप देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम यूज करेंगे। तो इस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है, व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वॉज, ये आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, He spread his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shells. इस सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है और दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम दो वर्ब यूज करते हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख सकते हैं, सेकेंड में भी दिया है, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, और फोर्थ में भी दिया है। तो तीनों में कोऑर्डिनेटर है लेकिन फोर्थ में यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है, टेंस करने से पहले टेंस चेंज नहीं हुआ है, तभी हमारे पास बचे दो फर्स्ट और सेकेंड। हम कोई भी सेंटेंस करते हैं तो हमें मीनिंग से इस हिसाब से सेकेंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। A6 क्वेश्चन जो होता है फेवरेटेड क्वेश्चन होता है, इसमें आपका वर्ड से नॉलेज है, वर्ड पावर आप उसे खेल सकते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड फॉर्मेशन वर्ड रजिस्टर इस लिंक का वोकैबुलरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ऐसा में सर हमें सिनोनिम्स के वर्ड्स हैं जो फाइंड करने हैं, सिनोनिम्स यानी कि सिंपल मीनिंग वर्ड्स। तो बात आती है क्वेश्चन तो ये वर्ड है कंफ्यूजिंग, Thank you.